ठोकर पे एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि और भाई साहब आज मैं हूं पंजाब में और आपको दिखाने लाया हूं एक ऐसा ढाबा जो कि भाई साहब बॉलीवुड मूवीज से भी ज्यादा एक्शन पैक्ड है और इतना जबरदस्त खाना है यहां का। अगर आप एक बार ट्राई करोगे आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त खाना है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त माहौल है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आ जाओ मेरे साथ भाई साहब। तो आज हम है जी रोशन वैष्णो ढाबा पे और हम यहाँ पे आए जी आपको माहौल बढ़िया जबरदस्त खाना दिखाने। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया जी, आप बताइए। एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया भैया। भैया आपका नाम? मेरा नाम अजय है। वैसे हम हमारी सारी पीढ़ियों को सारे बच्चों को हम रोशन के नाम से ही जानते हैं हमारे। तो रोशन जी कौन है सर? रोशन जी मेरे दादाजी थे। अच्छा, जिन्होंने सारा कुछ शुरुआत की, जिन्होंने जी ये हमारी थर्ड जनरेशन है जो हम आगे काम करा रहे हैं और उनकी मेहनत को हम आगे मेहनत से बढ़ा रहे हैं, इनको काम कर रहे हैं। तो आपके दादाजी ने ढाबा शुरू किया, आप थर्ड जनरेशन है और उन्होंने जो मेहनत करी है वो उसका जो नतीजा आपके सामने है ना? हाँ जी, ये देख लीजिए। भाई जो माहौल है यहाँ पे, इतने लोग इनको प्यार करते हैं और हर कोई जो है वो इतने प्यार से अपना अपना खाने की वेट कर रहा है। और भैया ये कितना पुराना ढाबा है? ये कम से कम 50-60 साल हो गए हैं। कितने? 66 से शुरुआत है। अच्छा, उससे पहले दादा कभी नोट नहीं किया डेट जी, ये तो हमने पता करवाया है ना। वैसे तो 1966 में ढाबा शुरू हुआ था और आपके दादाजी ने शुरू किया था। और तब मतलब वो क्या बेचते थे शुरू में, क्या क्या लगाते थे? शुरू में जैसे चलती थी 4-5 सब्जी, दाल होगी, शाही पनीर तो नहीं था उस टाइम, दाल मिक्स, कड़ी, पत्ता, ठीक है जी, पालक पनीर, ऐसे सिंपल सब्जी थी। उसके बाद मेरे पापा आए, उन्होंने अपनी इनोवेशन से नई सब्जियां बनवानी शुरू की, पनीर पूरी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर आ गया उस टाइम। तो जब हम आए हमने देखा घूम फिर के पूरा शहर, पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमा, क्या क्या हमने वहाँ से हैदराबादी पनीर लेके आए, हम उधर से लाहौरी पनीर लेके आए, कहीं टेस्ट किया था। तो अभी हमारा लाहौरी पनीर बहुत चल रहा है जी। तो लाहौरी पनीर और हैदराबादी पनीर, इसमें सर क्या नया किया इसमें? इसमें भी हमने देखा वहाँ पे टेस्ट कैसा है, मेरे को बहुत टेस्टी लगा वहाँ पे जाके, मैंने बॉम्बे में खाया था। अच्छा, तो हमने सोचा कि इसको पंजाबी मसाला और पंजाबी तड़का लगा कर अगर हम टेस्ट करें तो कैसा लगेगा। वो हमारी जो कहते हैं मेहनत और एक स्कीम काम आ गई जी, वो इतने एक टेस्ट अलग से ही बन गया हमारा। वाह, और हैदराबादी पनीर भी और लाहौरी पनीर भी, दोनों की ऐसी कहानी? हाँ जी, उसमें हमने टच दे दिया है अपना पंजाबी टच दे दिया है, वो एक पनीर नया ही बन गया है। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और भी बहुत सारी सब्जियां, तकरीबन आपके पास 150 चीजें आइटम मेन्यू में, हमारे मेन्यू में है कम से कम 250 चीजें हैं। और उसके अलावा भी जो कस्टमर कई बार मांगता है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए तो हम उसी ऑन द स्पॉट, क्योंकि हम लाइव किचन है हमारा, ये कंसेप्ट हमारा 60 साल से चल रहा है जो आजकल ट्रेंड में है लाइव किचन जी, जी, जी। तो ये हम थर्ड जनरेशन चला रहे हैं जी। तो अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, हम ऑन द स्पॉट उसमें बना के दे देते हैं। और सर एक चीज है, मैंने जब पहली बार आपका नाम सुना था, मैंने ये सुना था कि रोशन ढाबा की जो दाल है वो लुधियाना की सबसे बेस्ट दाल है, और जब हमने वीडियो बनाई तो लोगों ने बोला कि पंजाब की सबसे बेस्ट दाल है। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि दाल की रेसिपी किसकी है? सर दाल की रेसिपी तो मेरे दादाजी की हुई है, उसके बाद मेरे पापा जी ने उन्हें थोड़ा सा और अच्छा बनाया, तो हम भी जैसे जैसे लोगों का टेस्ट और लोगों का सोच बदलती है जी, हम उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं जी। और बट ये है कि दाल हमारी लोगों को बहुत पसंद आती है जी, ठीक है, क्योंकि सामने बनती है सारा कुछ, बिल्कुल कुछ ये करके डालते हैं हम, कुछ छुपा हुआ उनका स्पोर्ट बनाते हैं और प्यार से बनाते हैं और मेहनत से बनाते हैं, तो वो स्वाद उसमें टेस्ट आता है। क्या बात है। और पाजी ये जो सामने सब्जियां पड़ी, एक बार दिखा दो क्या क्या है आपके पास। आ जाओ सर। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं भाई, इतना कुछ है यहाँ पे। ये क्या है सर? ये है हमारा भरता। ओ भाई, डूबा हुआ भरता है, एकदम बढ़िया रोगन के अंदर और जबरदस्त लग रहा है। और पाजी ये मतलब बैंगन को तंदूर में रोस्ट करते हैं? हाँ जी, पहले तंदूर में रोस्ट करके रात को कर लेते हैं हम जी, उसके बाद मॉर्निंग और सुबह आके सारा डिश करते हैं, बनाते हैं। वाह, और सर ये क्या चीज है जी? ये सर पालक पनीर। ओ भाई, ये पालक बन गई है, इसके बाद हम फ्राई पैन में इसको फ्राई करके पनीर डाल के इसको और अच्छा सा बनाएंगे। वाह 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 वाह, एकदम जबरदस्त पालक है जी, रोगन वाली। और ये क्या है सर? ये सर हमारी है मिक्स। ये है जी मिक्स वेज यहाँ की। और भाई आपको रंगत से और इसकी सब्जियों से पता चल जाएगा कितनी जबरदस्त है, कितनी स्वाद है। और सर एक बार इधर गिरा के दिखाइए। ओ भाई 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 भाई, जबरदस्त। अगर आपको मिक्स वेज पसंद है तो कमेंट करके बताओ। और भाई नेक्स्ट सब्जी पे आ जाओ सर। ये क्या है? ये सर ये हमारी ग्रेवी है। अच्छा, जैसे हमारे पास 3-4 ग्रेवी होती है, उसमें से ये एक ग्रेवी है। ये काजू मगज वाली है सर? हाँ, काजू मगज दूध से बनी होती है जी, 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 जी। ये बेस है, इनसे बाद हम ये बेस ग्रेवी है। हाँ, ये बेस ग्रेवी है जी, जी, जी। इसके बाद हम मसाले और पनीर और बाकी कुछ डालेंगे जी, तो इसको फ्राई करके हम नई नई सब्जियां ग्रेवी बनाते हैं। जबरदस्त। सर नेक्स्ट क्या है जी? ये सर हमारा मसाला है, जैसे टमाटर, प्याज। अच्छा, ये दूसरा मसाला जैसे है। जी, जी, जी। ये जैसे ये भी बेस है जी, जी, जी। इनको सबको मिलाकर जो सब्जी बनाते हैं आपकी फाउंडेशन है। ये दोनों फाउंडेशन है जी, जी। ये क्या है सर? सर ये है मटर पनीर।
अरे वाह भाई क्या जबरदस्त लग रहा है। बाद हम फ्राई करेंगे इसको पनीर के साथ, तो मटर पनीर बन जाएगा ये। वाह वाह वाह। कुछ भी हम बनाया बनाया नहीं रखते सर, उसके बाद दोबारा लाइव बनाते हैं सारा जी। कुछ। और ये क्या जी? ये सर हमारे चने, चने चना मसाला जी, इसको भी फ्राई दोबारा करके सब कुछ डाल के मसाले और इसको बनाएंगे। हमारा ड्राई चना बहुत फेमस है सर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और ये पंजाबी स्टाइल है, पिंडी स्टाइल नहीं है? ये पंजाबी स्टाइल है सर। जी जी जी। और सर नेक्स्ट दिखा दीजिए। ये सर हमारी दाल है। अच्छा, इसी के चर्चे हैं। हाँ जी, ये अभी सिंपल दाल है। अच्छा, इसको बाद हमें इसको फ्राई करेंगे सब कुछ डाल के सारा मसाला दोबारा। वाह 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 वाह, ये एकदम जबरदस्त है भाई। और लोगों का प्यार देखो, इधर हर तरफ से घेर के खड़े हैं लोग। आगे क्या है सर? सर ये है राजमा। अच्छा, आगे राजमा। ओ भाई जबरदस्त यार, बहुत ही बढ़िया। ये सब कुछ सिंपल है, इसको हम दोबारा हम सब कुछ फ्राई करेंगे। मतलब ये आपने बना के रखा हुआ है रेडी करके? फिर कस्टमर को देंगे। भैया यहाँ पे जो लाहौरी पनीर की आप बात कर रहे थे, वो तो बनवा के दिखाइए आप। अभी अभी बनवाते हैं। ये बन रहा है जी यहाँ का स्पेशल लाहौरी पनीर। सबसे पहले तो पैन के अंदर भाई साहब बड़े बड़े क्यूब्स पनीर के साथ में प्याज और लहसुन और तेल और भाई ऊपर से कसूरी मेथी, और ये आ गया जी ऊपर से साथ के साथ हल्दी। भाई जो किचन है फुल ऑफ एक्शन है, सब तरफ से किचन जो है भरी पड़ी है लोगों के साथ। और ये आ गए जी काजू और ये किशमिश, ये आ गया जी मसाला। ये गरम मसाला है सर, लाहौरी पनीर का स्पेशल मसाला है जी। काली मिर्च आ गई, ये आ गया जी नमक, ये है जी टमाटर का मसाला। और भाई धुएं जो है ना, सब के सब लोग जो हैं उनके मुंह में पानी आ रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द धुआं। और ये आ गई जी द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से पंजाबी जो है वो अपना प्यार जो है वो बांटते हैं। ये आ गई जी भर भर के क्रीम। और ये देखो भाई, ये आ गई काजू मगज की ग्रेवी, जबरदस्त एकदम। और ये आ गया जी हरिया धनिया और ऊपर से रोगन। और भाई ये आपका लाहौरी पनीर जो है बनके तैयार है। सर्व करके दिखाइए जरा कटोरियों में, लाहौरी पनीर जो है ये रेडी है। और भाई साहब इनकी किचन चेक करो, पूरी तरफ से हर तरफ से लोगों से भरी हुई है। और भाई इतना ज्यादा मजेदार माहौल है यहाँ पे, मतलब लंच टाइम जो है वो अपनी पीक पे, अपनी चरम सीमा पे है। और यहाँ पे हर तरफ से लोगों ने घेर रखा है। इस ढाबे पे आपको तंदूरी रोटियां तो मिल ही जाएंगी, बहुत ही जबरदस्त करारी तंदूरी रोटियां हैं जी, एकदम प्योर आटे की। और साथ में यहाँ पे आपको तवे की रोटियां भी मिलेंगी, और तवे की रोटियां बनाने के लिए एक स्पेशल तवा लगाया हुआ है, जिसके ऊपर के भाई ये बढ़िया एकदम जबरदस्त तवे की रोटियां जो है घी लगा के आपको सर्व करते हैं। और भाई लोग यहाँ पे भी एकदम मतलब इंतजार करते हैं अपने अपने ऑर्डर का। और ये देखो भाई, ये तंदूरी रोटियां आपकी बनके तैयार। भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो भाई रोशन की दाल जो है ना, इसके बिना तो आपका यहाँ पे आना अधूरा है। ये जरूर ट्राई करो, बॉम्बे से सीखी ये रेसिपी और यहाँ पे पंजाब में लॉन्च करी और भाई एकदम से सुपर हिट हुई है ये रेसिपी। साथ में है जी ये छोले, ये ड्राई छोले हैं मसाले वाले एकदम बढ़िया। और मैंने चूज किया आज तवा रोटी। थैंक यू भाई। तवा रोटी के साथ हम लेते हैं जी ये एक बाइट। तो भाई मैं जब इस ढाबे पे आता हूँ ना, इस ढाबे पे ये मेरी फेवरेट चीज़ है, तो मैं तो इसको खाने से आज भी गुरेज नहीं करूँगा। ये देखो जी, ये है जी दाल देसी घी फ्राई। और भाई हियर्स अ बाइट ऑफ द दाल देसी घी फ्राई, हियर गोज। भाई साहब इधर वर्गी रीस है नहीं, आप पूरे लुधियाना में घूम लो, दाल मखनी दाल फ्राई ट्राई कर लो, इसकी नकल या इसकी रीस कहते हैं पंजाबी में कोई नहीं है। जो ये दाल है ना, मेरे कहने पे आप एक बार गर्मा गर्म ये दाल जो है ट्राई करो, आप खुद बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं बोलोगे तो भाई कमेंट करके बताना, मैं वहाँ पे भी ट्राई करूँगा जहाँ आप कहते हो। बट मेरे हिसाब से लुधियाना का जो बेस्ट दाल वाला ढाबा है वो यही है, और लाहौरी पनीर जो है ये भी ट्राई करना ज़रूरी है। तो हियर्स अ बाइट। भाई पनीर के साथ मुंह में किशमिश आई, और क्या ज़बरदस्त मसाला डाला हुआ, जो स्पेशल मसाला बनाया ना लाहौरी पनीर वाला, तो आपकी ज़बान पे रहता है। उसमें पक्की पक्का से जो ज़बरदस्त खड़े मसाले होते हैं उनको अच्छा रोस्ट करके फिर पाउडर चढ़ाया हुआ है, जायफल जावित्री डाली, और भाई इतना ज़बरदस्त उसका आफ्टर टेस्ट है, वो ज़बान पर रह रहा है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने रोशन ढाबा पर ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है तो कॉमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। अगर आपने नहीं किया है तो कमेंट करके ये बताओ कि कब आ रहे हो और कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद एंड साडा पंजाब नाड़ी साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक जबरदस्त वीडियो अबाउट अनदर अमेजिंग प्लेस दैट सर्विंग अमेजिंग लंच, तो भाई ये देखो।